और रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम के बयान पर पलटवार किया है। समाज को लड़ाने और तुष्टीकरण का काम कांग्रेस कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस की राजनीति का परिणाम ये सारी चीजें रही हैं। अराजकता कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक धारा 144 और कर्फ्यू लगाए। कांग्रेस की राजनीति सत्ता और कुर्सी की रही है, इसलिए कांग्रेस में अब तक सीएम का फैसला नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, कांग्रेस में सत्ता को लेकर लगातार लड़ाई चलती रही है। कर्नाटक की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिस प्रकार से कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भी इस सरकार में अन्याय हुआ है और कांग्रेस के नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी पीस रही है। तो ये कांग्रेस को अपनी सत्ता और कुर्सी से मतलब है, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। जनता से कोई लेना देना कांग्रेस के नेताओं को कभी रहा नहीं है, अभी भी नहीं है, और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।